सीतापुर में तार तार हुई वर्दी की गरिमा। सिपाही ने दरोगा को सरेआम पीटा। सड़क पर डंडे से की पिटाई। सिपाही के खिलाफ सख्त हुआ पुलिस प्रशासन। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी चौंकना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले ना तो कभी किसी ने ऐसा देखा और ना सुना। हमेशा अनुशासन में रहने वाली पुलिस अचानक अनुशासनहीनता का नमूना बन गई। ये सनसनीखेज मामला सीतापुर जिले का है, जहां एक सिपाही ने अपने सुपरविजन दरोगा की ही पिटाई कर दी, और वो भी सरेआम। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आरोपी सिपाही को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सीतापुर शहर के आरएमपी तिराहे पर लॉकडाउन की वजह से वाहन चेकिंग चल रही थी, जहां पर रमेश चंद्र चौहान को बतौर सुपरविजन अफसर तैनात किया गया था। इस चेक पोस्ट पर सारी गाड़ियां बिना चेकिंग के ही धड़ल्ले से गुजर रही थीं, और मुख्य आरक्षी राम आसरे कुर्सी पर बैठे महज तमाशबीन बने हुए थे। इसी बीच मौके पर दरोगा रमेश चंद्र पहुंच गए और उन्होंने इस तरह की लापरवाही को देखते हुए मुख्य आरक्षी राम आसरे को डांटते हुए सही चेकिंग करने की नसीहत दी। दरोगा की ये बात राम आसरे को इस कदर नागवार गुजरी कि दोनों में बहस शुरू हो गई, और ये बहस इस हद तक बढ़ी कि हेड कांस्टेबल ने दरोगा से बदसलूकी कर दी। लेकिन सारा मामला उस वक्त हद से पार निकल गया जब कांस्टेबल ने पास में खड़े सिपाही से डंडा छीनकर दरोगा की पिटाई शुरू कर दी। कांस्टेबल ने दरोगा को सरेराह डंडे से पीटा और एक के बाद एक कई लाठियां मारी। इस वीडियो को कार में बैठे किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। ये वीडियो कुछ देर में ही सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामला पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही की और आरोपी कांस्टेबल राम आसरे को निलंबित कर दिया गया। आज सुबह कोतवाली क्षेत्र का एक पिकेट लाइट ड्यूटी में सिपाही को हेड कांस्टेबल तैनात किया गया था। ये बात संज्ञान में आई थी, सब इंस्पेक्टर ने वो बैठा हुआ था, उसको बताया गया था आप खड़े होकर ड्यूटी करिए, तो उस पर कासूनी कर उन्होंने इनसबॉर्डिनेशन और इनडिसिप्लिन करते हुए वर्दी में उनके साथ मारपीट किया, और इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित हेड कांस्टेबल को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल राम आसरे को निलंबित कर दिया है और अब उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की तैयारी चल रही है, ताकि पुलिस विभाग में नजीर पेश की जा सके।
जिससे भविष्य में कोई पुलिसकर्मी ऐसा करने की गलती ना करे। सीतापुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आलम अंसारी की रिपोर्ट।